जनपद रुद्रपुर में सड़क हादसे का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कांस्टेबल को हाइड्रा ने टक्कर मार दी। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार की बताई जा रही है, जब काता अग्रवाल नामक महिला हेड कांस्टेबल इंदिरा चौराहे पर ड्यूटी दे रही थी, इतने में एक हाइड्रा ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गई। इस दौरान हाइड्रा का एक टायर पुलिसकर्मी कांता के पैर पर चढ़ गया, जिस कारण पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गई। उसे तुरंत इंदिरा चौक पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना के बाद फरार हाइड्रा चालक को तलाश कर रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कि इंदिरा चौक पे चेकिंग के दौरान ये ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ तैनात थी, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, जिनका नाम कांता अग्रवाल है और उम्र करीब 36 वर्ष है। तो जब ये ट्रैफिक की ड्यूटी में कार्यरत थी, तभी एक हाइड्रा व्हीकल ने इनके पैर के ऊपर अपना टायर चढ़ा के गाड़ी चढ़ा दी, जिनसे इनके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। इनको तत्काल ही हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा हॉस्पिटल या नारायणा लाया गया, जहाँ इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी इनका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और कुछ दिनों तक इनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई और समस्या आती है तो उसका समाधान हो सके। देखिए, जो व्हीकल है उसे सीज कर लिया गया है, बाकी जो मौके पर चालक था वो मौके से ही फरार हो चुका है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र पकड़ लें और उचित कार्रवाई की जाए।